जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं देवेश। दोस्तों, आपको तो जानकारी है, हाल ही में भारत को लेकर जो विवाद हुआ उसका लाभ उठाने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, ताकि मुस्लिम देशों के साथ जो भारत की मित्रता है वह टूट जाए। पाकिस्तान के यह प्रयास सफल हुए थे मालदीव में। पहले हमेशा इस तरह के जब भी नाजुक मौके आए तब मालदीव ने भारत का समर्थन किया था, लेकिन हमारी अपेक्षा के ठीक उल्टा हाल के घटनाक्रम में मालदीव ने आधिकारिक रूप से भारत का विरोध किया था। यह पूरा घटनाक्रम अनफोल्ड होते हुए हम सभी ने देखा है। मालदीव में जो सरकार है उसे जाना जाता है भारत के प्रति मित्रतापूर्ण रुख के लिए, लेकिन मालदीव की जो अपोजिशन पार्टीज हैं वह भारत का भी अपोजिशन करती हैं। चीन की गोद में बैठकर वह दिन रात भारत को गालियां देती हैं। इसलिए चूंकि उनका पक्ष मजबूत हो रहा था मालदीव में, इसलिए मालदीव की सरकार ने दबाव में आकर भारत का विरोध किया था। मालदीव की सरकार ने क्यों विरोध किया भारत का, वह बात अलग है। मुद्दे की बात यह है कि जब मौका पड़ा तब मालदीव ने भारत को पीठ दिखा दी। मतलब मालदीव की सरकार का जो रवैया है भारत के प्रति, उसकी सच्चाई तो हम सभी ने देख ली है। लेकिन दोस्तों, जबकि उस पूरे घटनाक्रम की याददाश्त अभी भी हम सभी के दिमाग में ताजा है, मालदीव को जरूरत आ पड़ी है शक्कर की। मालदीव को भारत से चाहिए शक्कर, जिसके अंतर्गत हर साल 520 टन शक्कर भारत एक्सपोर्ट करेगा मालदीव को। ना सिर्फ इस साल बल्कि आगे आने वाले वर्ष 2024 तक भारत हर साल जो है शक्कर सप्लाई करता रहेगा मालदीव को। अब दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जबकि भारत ने शक्कर के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा रखा है, पूरी दुनिया के लिए भारत ने शक्कर का एक कोटा निर्धारित कर रखा है। उस कोटा के अंतर्गत जो बची हुई शक्कर है वह भारत एक्सपोर्ट कर सकता है अभी भी, लेकिन मालदीव के लिए हमने उस कोटे से अलग स्पेशल परमिट दिया है ताकि मालदीव में शक्कर की किल्लत ना हो। जबकि मालदीव के लोग भारत को कड़वी कड़वी गालियां देते हैं, उसके बावजूद उनका मुंह मीठा बना रहे, इसलिए हम उन्हें दे रहे हैं शक्कर। ना सिर्फ शक्कर बल्कि खुद मालदीव के विदेश मंत्री का कहना यह है कि भले ही पूरी दुनिया को खाद्यान्न की चिंता बनी रहे, लेकिन मालदीव को इस बारे में टेंशन नहीं लेनी है। उनके लिए गेहूं की सप्लाई भारत से बराबर आती रहेगी, क्योंकि भारत ने वहां भी दे रखा है स्पेशल परमिट हमें। इस प्रकार दोस्तों देखिए भारतीय मित्रता की महिमा। पूरी दुनिया में गेहूं की शक्कर की किल्लत बनी हुई है, लेकिन मालदीव को इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारत ने इन एग्रीमेंट को जमीन पर उतारना चाहिए, जबकि मालदीव में बैठी हुई सरकार जो कि भारत की मित्रता के लिए जानी जाती है उसने अपनी असलियत दिखा दी है। तो पहला नेगेटिव व्यू तो यह कहता है कि चूंकि मालदीव की सरकार ने अपना रंग दिखा दिया है, इसलिए भारत ने एग्रीमेंट करने के बावजूद उन पर खरा नहीं उतरना चाहिए। ना गेहूं और ना शक्कर, दोनों का ही एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए मालदीव को, ताकि मालदीव की सरकार, विपक्षी पार्टियां और जनता सबको पता लग जाए भारत का महत्व। दूसरा व्यू यह है दोस्तों कि अगले साल मालदीव में होने वाले हैं चुनाव। उस चुनाव में मालदीव की सरकार मजबूती से उतर सके, इसके लिए हमने मालदीव की मदद करना चाहिए। यदि मालदीव में अभी गेहूं की शक्कर की किल्लत हो गई तो हो सकता है अगले साल उन्हें चुनाव जीतने में थोड़ी और दिक्कत का सामना करना पड़े। यह है दूसरा पॉजिटिव व्यू, जिसके अंतर्गत मालदीव की सरकार ने भले ही हमें धोखा दिया हो, उसके बावजूद हमने मालदीव की सरकार को बराबर समर्थन देना चाहिए। मालदीव की जनता को, सरकार को गेहूं और शक्कर की किल्लत बिल्कुल ना आए, यह भारत ने सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सभी पॉइंट्स को यदि मिलाकर देखा जाए तो हमारा मानना है कि मालदीव की जो सरकार है वह तुलनात्मक रूप से भारत के लिए बेहतर है। यदि मैं विरोधी पक्ष की सरकार बन गई तो हमारी चिंताएं और अधिक बढ़ जाएंगी, इसलिए भारत सरकार ने जो किया है वह बिल्कुल सही किया है। भले ही मालदीव की सरकार ने हाल के विवाद में हमें धोखा दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी मालदीव की जो सरकार है उसका मजबूत रहना बेहद जरूरी है, इसलिए भारत ने बराबर उसकी मदद करना चाहिए हर मुश्किल में। इसलिए स्पेशल परमिट के अंतर्गत भारत जो गेहूं और शक्कर सप्लाई कर रहा है वह करना ठीक प्रतीत होता है हमारे नजर में। लेकिन दोस्तों आपका क्या मत है, क्या भारत ने गेहूं और शक्कर सप्लाई करना चाहिए अथवा नहीं? आप अपने विचार इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यह वीडियो आपने देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।